आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन सुबह राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक किया। राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और प्रथम महिला समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इससे पहले बीती शाम राष्ट्रपति ने उत्तराखंड वासियों को करीब 2000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ के लोगों, स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी, राज्य के पर्यावरण, नदियों के महत्व पर अपनी बात रखी। उत्तराखंड की धरती और यहाँ के लोगों ने भारत माता को कितना कुछ दिया है उसका हिसाब लगाना असंभव है। भारत माता की धरती के बहुत बड़ी भाग को निर्मित और सिंचित करने वाली नदी माताओं के ट्रस्ट उत्तराखंड में है। हिमालय और उत्तराखंड भारत वासियों के अंतरात्मा से बसे हुए हैं। हमारे ऋषि मुनि ज्ञान की तलाश में हिमालय की गुफाओं और पुंदराओं में आश्रय लेते रहे हैं। ये लोक मान्यता है कि लक्ष्मण जी के उपचार के लिए इसी क्षेत्र के दोनों पर्वत को संजीवनी बूटी सहित हनुमान जी लेकर गए थे। इस तरह आध्यात्मिक शांति और शारीरिक उपचार दोनों ही दृष्टियों से उत्तराखंड कल्याण का स्रोत रहा है। आज सुबह पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मसूरी स्थित LBS एकेडमी पहुंची। यहां राष्ट्रपति ने ट्रेनी IAS को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रेनी IAS चाहते तो किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने देश सेवा का मार्ग चुना। राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में जब आप लोक सेवा का कार्य करेंगे तो संवैधानिक मूल्यों को हमेशा सर्वोपरि रखें। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।